एंड बारिश भी गिरने लग गई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये है सैटरडे मार्केट, शुरुआत संडे मार्केट रोम का सबसे बड़ा मार्केट। माही ऑलरेडी शॉपिंग करने लग गया है, टेंशन नहीं है कितने कितने के एक यूरो में ये सारी चीज़ें। ओह अमेजिंग, वन यूरो में ये फाइव यूरो के जैकेट्स हैं, फाइव यूरो के, वाह अमेजिंग ग्रेट। ये फाइव यूरो में नहीं यार, अच्छी चीज़ है यार। लोग भर भर के सामान ले रहे हैं पॉली बैग्स में, शूज भी हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। बारिश भी गिरने लग गई है, सारे चीज़ें मिल जाएगी इस मार्केट में, शूज से लेकर सब चीज़ें। यहाँ से स्टार्ट मार्केट होता है और यहीं से स्टार्ट किया। चलो ओके सो गाइस, इस संडे मार्केट का नाम है पोर्ता पोर्दे से, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये यही लोकेशन बताएगा। ये रोमा टर्मिनी से नियरली 15 मिनट्स का ड्राइव होगा अगर आप कार से आते हैं, और मेट्रो से आते हैं तो नियरली 30 मिनट्स का। और इस मार्केट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर बहुत ही आपको चीप प्राइजेस में क्लोथ्स मिल जाएंगे। हाँ एक और चीज़, यहाँ पर जितने भी क्लोथ्स रहेंगे वो काइंड ऑफ ओल्ड क्लोथ्स ही रहेंगे, तो ये आप माइंड में लेकर आइएगा। और ये मार्केट लिटरली बहुत ही ह्यूज मार्केट है, नियरली मोर देन 1 किलोमीटर, हम लोग मतलब बहुत टाइम लगेगा हमें वॉक करते करते, तो चेक करते हैं आज कितना बड़ा मार्केट है ये। और ये संडे को ही लगता है, तो अगर बेस्ट टाइम आप पूछते हैं कि कब हमें आना चाहिए इस मार्केट में, तो आई रिकमेंड कि यार आप है ना 10 o'clock के अराउंड आए, 10 to 11 के अराउंड, क्योंकि ये मार्केट जो है 1 o'clock से क्लोज होने लगता है और हम लोग आज लेट आए हुए हैं, नियरली 1 o'clock हो रहा है अभी टाइम, और इसलिए थोड़ा सा क्लोज भी होने लग गया मार्केट। चलिए देखते हैं तब तक। कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही चीप मिलता है, इंडिया से भी चीप कह सकता हूँ मैं इन सेंस, क्योंकि देखिए 5 euros, ये देखिए 2 euros मतलब 180 rupees, इतने में यहाँ पर क्लोथ्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छे क्लोथ्स रहते हैं। आई मीन हाँ माना थोड़े यूज रहते हैं, बट इट्स फाइन, जिन्हें लेना है वो ज़रूर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि यार, और गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं कि यार कोई सेकेंड हैंड क्लोथ्स या ओल्ड क्लोथ्स नहीं ले रहा है, सब देखिए ये सारे यूरोपियन सिटीजन से, और जब हम इंडिया में रहते तो हम सोचते होंगे यार ये कितने अच्छे क्लोथ्स पहनते, बट यहाँ से परचेज करते हैं तो इट्स फाइन, यहाँ पर सब नॉर्मल रहता है। यहाँ पर इवन वेटरेस की जॉब और क्लीनर की जॉब को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये मुझे इनकी जो मेंटालिटी है यूरोपियन कल्चर की, ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये जैसे यहाँ पर ट्राइपॉड मिल रहा है मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इंडिया से भी मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है, तो ये क्लोथ्स हैं। मुझे बेसिकली आज एक लॉन्ग कोट लेना है, यहाँ पर यूटेंसिल्स वगैरह आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जो चाहे आप ले सकते हैं रोम में अगर है आप तो, और एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग भी जस्ट विजिट पर्पज़ से आए हैं, और आज वैसे भी सेल है नॉर्मल भी, तो बाहर शोरूम्स में भी बहुत ज़्यादा आज सेल, आई मीन 60% 70% मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप आ गए तो आपको अगर होम डेकोर करना है तो सारा आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो गाइस देखिए ये 2 euros में मिल रहा है, आई मीन इंडियन रुपीज़ में 180 rupees जस्ट, तो ऐसे डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर। ये शूज़ का कॉर्नर है, आई गेस ब्रांडेड शूज़ है ये, और इटालियंस ज़्यादातर बूट्स पहनते हैं जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कोल्ड भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इस ये भी रीज़न है, और बेसिकली ये लोग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा रहते हैं, मैंने ये चीज़ इनकी देखी है। साल दी मीन सेल, बारिश हो रही है, भागो। ये बैग्स देख लो। आ
ट्रैफिक समझो ना इतना। वीडियो सी कंपनी के बैग से ही देखो आदिदास। पूछ ले, लेना हो तो ले लो। क्वांटा कोस्टा, क्वांटा कोस्टा, उनसे पूछो क्वांटा कोस्टा कोर्सा वेरी प्राइसी। कोई सर समझ आ रहा है? नो, नहीं समझ आ रहा। अरे तुम कचरे करवाते हो यार, देखने प्राइस वाइज पूछ लेते हो। ये मेहुल की तो यही आदत है यार, पता है। ये जैकेट्स 10 euros, ये जीन्स अगर आप ले सकते हैं यहाँ से 1 euro, तूता काफी फिरमाती। You'll find everything in this market. Wow. Yeah. So, books bhi hai yahan par 3 euros mein. But most of them were in Italian. Ye dekhiye 2 euros mein ye jeans. सिर्फ 170 rupees में। गॉड, इंडिया से ज़्यादा तो यहाँ पर सस्ता है। स्कार्पे, स्कार्पे मीन्स शूज, दोन्ना मीन्स होता है गाइज वुमेन, और ओमो मीन्स होता है मैन। तो जहाँ पर भी आपको दोन्ना दिखे मतलब वो वुमेन्स कलेक्शन है। सो गाइस, ऐसा नहीं होता था कि यार इंडिया में अगर कुछ चीज़ अच्छी मिल रही है क्वालिटी की तो वो जल्दी लोग ले लेते हैं। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम लोग लेट मार्केट में आए तो सारी चीज़ें जो अच्छी बेस्ट थी वो चली जा चुकी, ऑलरेडी ख़रीद ली है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। सो अगर आपकी वॉकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो ही इस मार्केट में आइएगा, क्योंकि रोम में घूमते घूमते टायर हो जाता कोई भी, और उसके बाद संडे मार्केट घूमना इट्स रियली टफ। तो देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता तुझे अंदर कैसा फील हो रहा है। मेरे पास जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म नहीं है। अच्छा, ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए? नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म चाहिए। कैसा गर्म? अभी उर्दू बोलो। मोर वेदर में
चलो ओके ग्रैसी तो मेहुल को एक जैकेट पसंद आ गई है, तो देखते हैं ट्राई करने पर वो कैसी लग रही है। लेट्स सी। इकोलो छोटी साइज़ ग्रैंडे नो क्वेस्टो छोटी दिख रही है मुझे भी थोड़ी सी छोटी 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 सो गाइस ये है मार्केट जो कि क्लोज होते जा रहा है धीरे धीरे। देखिए यहाँ की शॉप्स क्लोज हो चुकी है क्योंकि हम लोग अब लेट हो गए हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पर भी क्लोज हो गया है। बहुत ही ह्यूज मार्केट है यार, मोर देन 1 किलोमीटर अभी भी वॉक करते करते कितना टाइम हो चुका है और आगे जाना है अभी। तो नई चीज है यार ये तो है। ओ गॉड बहुत बड़ा मार्केट है यार ये तो, सीरियसली नेवर एंडिंग मार्केट। इन वैन्स में ही ये लोग सब सामान लेकर आते हैं अपना, जैसे सबकी वैन्स आपको दिख रही होगी बैक साइड पर, क्यों सबकी वैन्स है ये, जैसे इसकी वैन्स यहाँ पर है, इसकी वैन ये रही, सबकी वैन है ये, इनकी वैन्स ये सारी फुटबॉल ड्रेसेस, वाओ यूनिफॉर्म्स। मैं किसका ओ गणेश जी यहाँ पर, ये बुद्धा है ना, बुद्धा और ये बोले यार पता है ये चीज़ है ना, जैसे कोई किसी को गिफ्ट करता है ना तो वो बहुत रिच बनता लक्ष्मी, है लक्ष्मी। तो एक काम करते हैं अपन सब एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। वो पता नहीं होना तो गिफ्ट। अरे यार ये कैसा सिस्टम है यार। अरे चेन देखो दीपांशु भाई बोल रहे ना, हाँ वो हमारा व्लॉग बना रहे हैं। ये चेन है क्या, क्या बात है। चाओ इंस्टाग्राम सी ग्रासिए ना? सेंटर के आसपास है क्या, टर्मिनी क्या, नहीं अच्छा पियाज़ा नबोना, हाँ 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 बहुत साल से ही था। कितने साल हो गए आपको? मैं तो बहुत साल हो गए, तुम लोगों को पूछा कितने साल। अरे हम मैं दो साल से हूँ, दो साल एक साल दो साल एक साल दो साल नहीं नहीं इसका मतलब क्या यार दिन से। हाँ कौन सी सब्जेक्ट के लिए आए थे? हम मैनेजमेंट है सब मैनेजमेंट के लिए। हाँ वाह यार मैं तो पहले तो स्टूडेंट इधर आया, स्टूडेंट है आप पहले? हाँ मगर लाठी के चक्कर में सिटी लेने के चक्कर में। अभी है लड़की? बहुत पुरानी बात होगी आपकी तो। क्या बात है, घर में रहता था तो घर से बाहर कैसे लग रहा है?
what do you think about ये अच्छा इंसान मिलने के लिए इट्स अ मैप राइट इंडिया का मैप है ना गंदे लोग नहीं पता नहीं कौन सा मैप तो हमें जो भी सर मिले थे वो नेपाल से हैं और बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, मीन सेटल भी हो चुके हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही वैन में मार्केट लगाते हैं यही ज्वेलरीज का। ये स्वेटर्स स्वेटशर्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं 6 यूरोज़ में, आई मीन इंडियन रुपीज़ में नियरली 500 रुपीज़ के आसपास, तो सही है। टू एक्सएल है भाई, ये तो XL हैं सारे, ये XL सही जाएगी मेरे को। हाँ मैंने ये टी शर्ट अंदर जो देख रहे हो आप वो ख़रीदी है, और ये पेंडल अगर देख पा रहे हो तो एक मिनट दिखाता हूँ, ये फ्लैग है, सॉरी मैप है ये हमारे इंडिया का, तो वो मैंने ख़रीदा यहाँ से सैटरडे मार्केट से चिल। सो गाइस ये है जो गेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है इस डोमेनिका मेरकातो की संडे मार्केट की, आई मीन तो यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत दूर तक ख़त्म होता है। मैंने आधी रिकॉर्डिंग्स जो है वो डिलीट कर दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो जाता है अदरवाइज, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर इस मार्केट का होता है एंड। सो अभी जस्ट शॉपिंग कंप्लीट हुई है हमारी, शॉपिंग तो क्या करी हमने, कुछ भी नहीं लिया है संडे मार्केट से। तो ये था जो सीन आप लोगों को हमने संडे मार्केट का भी दिखाया है, और यहाँ पर है एक रिवर टाइप कह सकते हैं, बहुत बड़ी रिवर है यार देखो, वाओ, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है रिवर के। तो गाइस ये रहा हमारा संडे मार्केट आज का, तो बहुत ही अच्छा रहा दिन हमारा, और यहाँ पर एक बार आना वर्थ है। कह तो नहीं सकूँगा कि सारे क्वालिटी क्लोथ्स मिलेंगे आपको, बट ठीक है एक मस्ट विज़िट कर सकते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस।